हे फ्रेंड्स, ये आ गए वापस हैं। मैं तो सोचता हूँ कभी कभार कि मुझ पे कुछ गर्मी का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आप ये देखिए, यू जस्ट सी दिस प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। इट इज़ अ टनल, इट इज़ अ लॉन्ग टनल व्हिच कनेक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। और आप देखिए ये जगह, ये टनल कहाँ से शुरू होता है और ये एक लंबी सुरंग है। अब इससे होकर करके मैं जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा हूँ। ये एक ऐसा पार्ट है, द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, जब कभी बाढ़ आती है, पानी आता है। और चूंकि ये पूरा जो बेल्ट है, यहाँ पर नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो जितना भी पानी आता है वो यहाँ से फ्लो होकर करके इन रास्तों से होकर करके और पार कर जाता है उधर, जहाँ पर अभी आप देखेंगे मेरी बाइक है। अभी हम यहाँ से वहाँ जाएंगे और कम से कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इतना तो असर हुआ कि कई सारे जगहों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर नहीं आए होंगे। यू माइट नॉट हैव विजिटेड दिस प्लेस। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप ये तो कहा ही मत करिए कि आप आए होंगे कि नहीं आए होंगे, क्योंकि आप वही वही जगहों पर जाते हैं, उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कोई जाने की उम्मीद नहीं कर सकता। सी दिस लॉन्ग रूट, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा था। अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जिस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इस जगह पर आया। मुझे ये हिदायत दी गई थी कि थोड़ा बच कर करके रहिएगा क्योंकि अब गर्मी का समय चल रहा है, सांप निकल आता है बाहर। एंड आई हैव ऑलरेडी फेस्ड कोबराज 3 times। लेकिन क्या है यार, जिंदगी एक बार मिली है तो कम से कम सभी जगहों को तो देख लें। See this vast stretch of land। ये टनल यहां से शुरू होता है और देखिए ये जो ग्रीन शेड बना हुआ है और ये पार होता है, पूरा एंड तक जाता है। और अभी कुछ समय पहले मुझे फॉरेस्ट रेंजर्स ने कहा था कि एक तेंदुआ है इस जगह पर जहाँ पर आप जा रहे हैं, सोच समझ करके जाइएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इससे बीच में मुझे 100% उम्मीद है या तो कहीं ना कहीं किसी सांप से तो टकरा ही जाएंगे। अंदर चलने के पहले थोड़ा मैं अपनी बाइक को ऐसी जगह पर ले चलूँ जहाँ पर वो देखिए रेंजर्स का बूथ बना हुआ है, जहाँ से वो पूरे फॉरेस्ट को कवर करते हैं। अभी मुझे इस रास्ते को पार करके अंदर जाना है, देखते हैं कितनी दूरी तक अंदर जा सकते हैं। कम से कम इन जगहों पर आकर करके हमको एक इस तरह की शांति, ऐसा पीस महसूस होता है जो आपको कभी भी एक कंक्रीट के जंगल में नहीं महसूस होगा। तो कम से कम इतना तो मैडनेस होना चाहिए कि आप नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकें, या आपको खाली खा कर करके सोना है। सो वॉट एवर द टाइम यू गेट, यू मस्ट एट लीस्ट डिवोट सम पार्ट ऑफ योर टाइम इन एक्सप्लोरेशन, नॉट एक्सप्लोरिंग दोज थिंग्स विच यू आर डूइंग वाइल लिविंग इन योर होम, दैट इज नॉट वर्थ वाइल। सो visit these places, become mad like me, and a time will come when you will find a peace of mind like me. Usually people say, how do you get peace of mind when you are visiting those places where not even a single human beings are found? मैंने कहा तभी तो मुझे शांति मिलती है जब कोई इंसान नहीं मिलता। इंसान मिलता है तो तकलीफ मिलती है, वो जो मैं मेरा के प्रति जो आसक्ति रहती है ना। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है बिकमिंग बिकमिंग बिकमिंग, इस ट्रैप को, इस विश्वास साइकिल को आई एम ट्राइंग टू ब्रेक, एंड टू ब्रेक द विश्वास साइकिल आई
क्रॉस द लिमिट्स, फिजिकल लिमिट्स एंड मेंटल लिमिट्स, और देखते हैं कि क्या होता है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पर और कितना चैलेंज है. सो स्टे विथ मी, लेट मी टेक माई बाइक एंड रीच अ प्लेस एंड देन अगेन आई विल अपडेट यू. ओके, स्टे विथ मी.